गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 9 बताने जा रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। इससे पहले हम आपको चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग चैप्टर 8 कॉपी में कर लिए होंगे, क्योंकि कॉपी चेक करवाने के लिए जब भी आपको स्कूल बुलाया जाएगा आप लोगों को कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल आना है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट का मतलब होता है माप, किसी भी चीज को मापना। जैसे कि हम लोग स्केल की लंबाई को नापते हैं, या अगर पानी होता है, ऑयल होता है, मिल्क होता है, तो जब भी दूध लाते हैं तो लीटर के हिसाब से लाते हैं, उसको तो हम लोग लेंथ से नाप नहीं सकते कि वो कितना लंबा है। और किसी भी चीज को अगर आलू प्याज लाते हैं, सब्जी लाते हैं घर में, देखिएगा तो वो होगा आपको वेट के हिसाब से, केजी और ग्राम के हिसाब से। तो ये सब जो है आपका मेजरमेंट है, इस सब के बारे में आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मीजर ऑफ लेंथ। मीजर ऑफ लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है, हम इसको लंबाई को नापते हैं किससे। जैसे कि अगर बोला जाएगा कि आप लोग की लंबाई कितनी है, आप लोग कितने लंबे हैं, कितने मीटर हैं, कितने इंच के हैं, कितने सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ पे तो है दिया हुआ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इसमें कर लिखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, किसका, लेंथ का। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इसका होता है क्या, मीटर। एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, मीटर से। अगर आप लोग कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए जाइए तो वो आपको क्या होगा, आप लोग बोलेगा कि हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए। फिर होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है। जैसे कि हम लोग अगर बुक की लंबाई नापे या पेंसिल की लंबाई नापेंगे तो वो क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर इज ए स्मॉल यूनिट, क्या है, मीटर तो है आपका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, और स्मॉल यूनिट क्या है, SI, स्मॉल यूनिट है आपका। जब भी आपको कोई छोटा चीज नापना हो तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, और कोई बड़ी चीज नापना हो, कोई लंबी दूरी, क्या है, बिग यूनिट क्या है इसका, बिग यूनिट है किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर। और यहाँ पे है इन शॉर्ट मीटर इज रिटन एज एम, मीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, सेंटीमीटर को CM, जो यहाँ पे हम लिखे हैं सेंटीमीटर को आप लोग बुक में देखिए लिखा हुआ है, एंड किलोमीटर को KM लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या हो गया आपका, किलोमीटर हो गया। अब इसमें रिलेशन भी दिया हुआ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर इक्वल टू क्या, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ये आपका फॉर्मूला है एक तरह से, ये याद रखना होगा, क्योंकि अब जो आपका चैप्टर आएगा इसमें है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स क्या हुआ कि हम अगर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब जैसे किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो, या मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो कन्वर्जन में देखते हैं, पहला आपका कन्वर्ट ऑफ मीटर इंटू सेंटीमीटर क्या है, सबसे पहले आपका मीटर इंटू सेंटीमीटर, इसमें आपका कन्वर्जन में हम आज आपको बताएंगे कन्वर्जन ऑफ मीटर इंटू सेंटीमीटर, और बताएंगे सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपका दिया रहेगा एग्जांपल, जैसे 8 मीटर इक्वल टू क्या है, 8 मीटर इक्वल टू दिया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 8 को क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर जो है किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। अगर इसी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल से हम लेते हैं 4 मीटर एंड यहाँ पे दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे लेते हैं हम 28 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, वैसे 1 डिजिट का भी बताएंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल जो है ये ए बी एंड सी भी देंगे आपको, जैसे कि 8 मीटर होगा और 8 सेंटीमीटर ही होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पहले देखते हैं 4 मीटर को हम क्या करेंगे, ये है आपका 4 मीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है क्योंकि हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। 4 मीटर को सिर्फ हम क्या करेंगे, 4 को
हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 × 100 क्या करें तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक एक लाइन थोड़ा लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा बट आप लोगों को समझ में आएगी। कॉपी में भी काम आप लोग इसी तरह से कीजिएगा, क्या कीजिएगा पहले 4 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा या मल्टीप्लाई की है इसे, उसके बाद फिर 400 सेंटीमीटर लिखिएगा, 28 सेंटीमीटर, 428 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा 8 मीटर, ये है आपका 8 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो मीटर को हम यहाँ पे 8 को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 8 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 800 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 800 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 800 और 8 को हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा ये 808 सेंटीमीटर, क्या होगा 808 सेंटीमीटर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग रुपीज से पैसे, पैसे से रुपीज वाले में शॉर्ट फॉर्म भी था, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं कैसे, तो 8 सेंटीमीटर जब भी आपका होता है वो क्या होता है 2 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे अगर 1 डिजिट है तो इसको हम क्या करेंगे 2 डिजिट कर देंगे और 8 को यहाँ पे लिख देंगे, 2 डिजिट के बाद जितने भी होंगे वो मीटर होंगे, तो ये 808 सेंटीमीटर होगा। ऐसे आप लोगों को मीटर से सेंटीमीटर में समझ गए, और अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेंटीमीटर से मीटर में। अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर, जैसे रुपीज और पैसे था जस्ट उसी तरीके से ये भी है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर, क्या है 500 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो इसको क्या करेंगे 500 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, तो इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर ए है। ऐसे में एग्जाम्पल बी देते हैं, जैसे 8463 हम सेंटीमीटर लेते हैं, इसको मीटर में करना है तो क्या करेंगे इसको, तो लास्ट 2 डिजिट को हम अलग कर देंगे, जैसे 8400 सेंटीमीटर कर देंगे प्लस 63 सेंटीमीटर, 8400 सेंटीमीटर डिवाइड क्या करेंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा प्लस 63 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या है आपका ये 84 हो जाएगा, 84 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा और 63 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को 9A का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसके बाद है चेंज फॉलोइंग इन मीटर, किलोमीटर और मीटर के बारे में हम कल बताएंगे। ओके थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमको मैसेज कीजिएगा कि सर हमको फिर से एक बार रिवाइज करवा दीजिए, तो अगले वीडियो में हम आपको रिवाइज करवा देंगे इसका। थैंक यू।